वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों का मौसम आ गया है और तेज धूप और उमस में घमौरियों का होना आम बात होती है। यह आपके शरीर पे जलन और खुजली पैदा करते हैं, जिससे आपको इरिटेशन होती है और आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है, क्योंकि आप उसकी वजह से कोई भी काम अपना नहीं कर पाते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने रेगुलर लाइफ में आम, एलोवेरा, ओनियन का यूज करिए। प्याज अधिक मात्रा में खाने से प्याज आपके शरीर की गर्मी को भी कम करता है और आपको लू से भी बचाता है। यह सबसे ज्यादा आपके गर्दन, पीठ, हाथ और पेट पर होता है। इससे बचने के लिए आप ऐसे फ्रूट्स का यूज करें, ऐसे पानी वाले फल खाएं, ऐसी चीजें खाएं जिससे आपके शरीर को ठंडक मिले, और ज्यादा से ज्यादा ठंडे स्थान पर रहने की कोशिश करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको घमौरियों से तो निजात मिलेगा ही और आप अपने गर्मियों के मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। अगर आप घमौरियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको घमौरियों की वजह से जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी लेप लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके शरीर को ठंडक पहुँचाएगा। मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल ऐड कर लीजिए और एलोवेरा जल ऐड कर लीजिए, और जहाँ पर भी आपके शरीर पर, आपकी स्किन पर, आपके फेस पर, कहीं पर भी अगर घमौरियों की परेशानी है तो वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। मुल्तानी मिट्टी आपके शरीर को ठंडक पहुँचाता है। अगर आपके शरीर में पसीने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया हो गए हैं तो वह उन्हें अंदर से डीप क्लीन करेगा। गुलाब जल हमेशा की तरह मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और एलोवेरा जल आपकी जलन को कम करेगा। वह धीरे धीरे आपकी जलन को अंदर से कम करता जाएगा, जिसकी वजह से आपको घमौरियों की परेशानी से निजात मिलेगा। यह प्रोसेस आपको डेली करना है जब तक आपकी घमौरियाँ ठीक ना हो जाएं। अगर आप इसको स्किप कर देंगे, अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे, तो वह चीज़ फिर से आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि पसीने की वजह से ही घमौरियाँ पैदा होती हैं और जो पसीने से कीटाणु बनते हैं वही आपकी स्किन में घमौरियों को पैदा करते हैं। इसलिए आपको यह प्रोसेस हमेशा करना है। हमेशा का मतलब जब तक आपकी घमौरियाँ ठीक ना हो जाए तब तक आपको इस प्रोसेस को करना है, और अपने इस पैक को 10 से 15 मिनट लगे रहने के बाद नॉर्मल पानी से, यानी कि ठंडे पानी से आपको इसे वॉश करना है। गुनगुना पानी या गर्म पानी बिल्कुल यूज मत करिएगा, क्योंकि फिर जितना भी बेनिफिट आपको मिला है वो सारा खत्म। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घमौरियाँ जल्द ठीक हो जाए तो आप ये सेकेंड स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया, उसके ड्राई हो जाने के बाद नॉर्मल वाटर यानी कि ठंडे पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद आप नींबू और खीरे का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नींबू में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को अंदर से डीप क्लीन करती हैं, यानी कि आपके पसीने की वजह से जो बैक्टीरिया आपकी स्किन में पैदा हो गए हैं उनको वह मारती हैं और वहाँ अंदर डीप क्लीन करती हैं, जिसकी वजह से आपके घाव जल्दी सूखते हैं और घमौरियों की परेशानी भी जल्दी दूर होती है। खीरा आपको अंदर से बाहर से दोनों तरफ से ठंडक प्रदान करता है। खीरा जितना सलाद के रूप में यूजफुल होता है, उतना ही बाहर से आपकी स्किन के लिए भी वह बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आपको एक ग्लास पानी में पूरा एक नींबू का जूस निकाल लेना है और उसमें खीरे के स्लाइसेस को कट करके डाल देना है। 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे ऐसे ही ढककर रख दीजिए। उसके बाद आप अपने प्रभावित एरिया, यानी कि जहाँ पर भी आपको घमौरियों की परेशानी है, वहाँ पर आप उस खीरे को लेकर के रब करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट उसको ऐसे ही रब करिए, और हर 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको समय मिले तो इस पानी का आप यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी घमौरियाँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, आपके घाव भर जाएंगे और आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी से परेशान रहें या किसी भी चीज़ से परेशान रहें और उससे आपको निजात मिल जाता है, वह चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाकर इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो आप मेरे इस घरेलू नुस्खे को ज़रूर अपनाइएगा। आप इजिली अपने घर की चीज़ों से ही अपनी इस घमौरियों की परेशानी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, चाहने वालों के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।